सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ चार वल्लिका पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर वल्लिका के परिवार के बारे में, उसके गांव के बारे में, भोजन, रहन सहन, खान पान, वहाँ के उत्सव, इन सब के बारे में बताया गया है। आज हम पढ़ेंगे कि वल्लिका जो है वो एक छोटी सी बच्ची है, वो केरल के एक गांव में रहती है और वह गांव जो है वो बड़ा ही सुंदर है। उसमें चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, रबड़ इलायची के बागान हैं। बागान का अर्थ है बच्चों बगीचे। इसके बाद वल्लिका जो है अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती है। उसकी बहन का नाम पुंथली है जो अभी छोटी है, वो अपने भाई के साथ रोज स्कूल जाती है। उसके घर में मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके गांव में मलयालम, तमिल और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। उसके बाद है बच्चों वल्लिका का घर। वल्लिका का घर कैसा है? वल्लिका का घर छोटा सा है और सुंदर है। वल्लिका का घर जो है वो नारियल के रेशों से बना हुआ है। वल्लिका की माँ उसे लीप पोत कर बहुत सुंदर बनाकर रखती है। वल्लिका भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। वह घर में रंगोली बनाती है। रंगोली क्या होती है बच्चों? रंगोली वह होती है जिसमें हम अपने घर के आंगन में सुंदर सुंदर फूलों से या रंगों से सजाकर चित्र बनाते हैं। और वल्लिका के परिवार का मुख्य भोजन है मछली, चावल, और उसकी माँ जो है वो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। कभी कभी वह खीर भी बनाती है जो कि वल्लिका को बहुत पसंद है। वल्लिका के जो गांव के लोग हैं उनका काम है खेतीबाड़ी करना। वल्लिका के पिता नारियल के रेशों से चटाई और दरियां बनाते हैं और वो उन्हें लैगूनों में ले जाकर, लैगूनों में चलने वाली छोटी छोटी नौकाओं से दूसरे शहरों में लेकर जाते हैं, उन्हें बेचते हैं और उनकी ये चीजें जो है लोगों को बहुत पसंद आती है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि वल्लिका के पिता क्या काम करते हैं।